नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिक्स ऑफ चैनल पे। तो आज हम पावर प्ले विद चैंपियन सीजन 2 के सेकेंड हाफ के मैचेस के प्रेडिक्शंस विद फुल एनालिसिस एंड फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। और आज का मैच मुंबई और कोलकाता के बीच होने वाला है शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम पर। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैचेस के पोल रखे जाते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपना प्रेडिक्शंस वोट करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे टेलीग्राम चैनल को, उसे क्लिक करके ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, विल ट्रेंट बोल्ट टेक अ विकेट इन पावर प्ले? पहले के 6 ओवर में ट्रेंट बोल्ट विकेट ले पाएगा या नहीं? तो देखिए, जो स्टैट्स है आईपीएल के 2020 के सीज़न का, ट्रेंट बोल्ट ने टोटल 19 विकेट्स लिया था और उनमें से 12 विकेट्स पहले के 6 ओवर्स में थे। और इस आईपीएल के सीज़न के पहले हाफ में ट्रेंट बोल्ट ने उनके 8 गेम्स में 4 विकेट पावर प्ले में लिए हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल के फैमिली मेंबर्स ने ज़्यादा वोट यस पर दिया है और मेरा भी प्रेडिक्शन यस के साथ ही जाता है। आपको जो प्रेडिक्शन सही लगे वो आप सिलेक्ट करना। और दूसरा सवाल है, हु विल कंसीड लेस रन्स? इस गेम में सबसे कम रन्स कौन देगा, राहुल चहर या वरुण चक्रवर्ती? तो देखिए, जो स्टैट्स है राहुल चहर का पिछले 4 आईपीएल के सीजन्स के, 2021 के पहले हाफ में उन्होंने 32 ओवर्स लिया था और उनका प्रति ओवर इकोनॉमी रेट था 7 रन्स। और 2020 में जो कि मैच दुबई में हो रहा था, तब उन्होंने 53 ओवर्स लिया था और उनका इकोनॉमी रेट था 8.16। 2019 में उन्होंने 47 ओवर्स लिया था और उनका इकोनॉमी रेट था 6.55। और 2017 में उन्होंने 7 ओवर्स लिया था और उनका इकोनॉमी रेट था 8.28। और वरुण चक्रवर्ती का जो स्टैट्स है, 2021 में उन्होंने 32 ओवर्स लिया था और उनका इकोनॉमी प्रति ओवर था 7.25। 2020 में उन्होंने 52 ओवर्स लिया था और 6.84 इकोनॉमी रेट था। और 2019 में उन्होंने 3 ओवर्स लिया था और उसमें इकोनॉमी रेट था 11.66। तो देखिए, आईपीएल के 2020 के सीज़न में जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हो रहा था सेम स्टेडियम पर जिस पर आज मैच होने वाला है, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, तब वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर्स में 5.75 रन्स दिया था अपने प्रति ओवर में। और राहुल चहर ने अपने 4 ओवर्स में 4.50 रन्स दिया था। और इस आईपीएल के सीज़न के पहले हाफ में जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा था लेकिन स्टेडियम एमएस चिदंबरम था, तब राहुल चहर ने अपने 4 ओवर्स में प्रति ओवर 6.75 रन्स दिया था। और वरुण चक्रवर्ती ने भी अपने 4 ओवर्स में 6.75 रन्स दिया था। तो दोनों का एकदम स्कोर टोटल है इस सीज़न के पहले हाफ का जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा था। और हमारे टेलीग्राम चैनल के फैमिली मेंबर्स ने ज़्यादा वोट वरुण चक्रवर्ती को दिया है और मेरा भी प्रेडिक्शन वरुण चक्रवर्ती के साथ ही जाता है। आपको जो प्रेडिक्शन सही लगे वो आप सिलेक्ट करना। और तीसरा सवाल है, हाउ मेनी इंडियंस आर ट्रेडिंग क्रिप्टो ऑन कॉइनस्विच कुबेर? कितने इंडियंस क्रिप्टो का व्यापार कर रहे हैं कॉइनस्विच कुबेर के ऐप में? और इस सवाल का सही जवाब है 1 करोड़। और चौथा सवाल है, हु विल स्कोर मोर रन्स? इन प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा रन्स कौन मारेगा आज के मैच में? और नितेश राणा का जो स्टैट्स है पिछले 4 आईपीएल के सीजन के, 2021 के पहले हाफ में उन्होंने 8 मैचेस खेला था और 201 रन्स बनाया था। 2020 में जब मैच दुबई में चल रहा था तब उन्होंने 14 मैचेस खेला था और 352 रन्स बनाया था। 2019 में 14 मैचेस खेला था और 344 रन्स बनाया था और 2018 में 304 रन्स। और ईशान किशन का जो स्टैट्स है, 2021 में उन्होंने 6 मैचेस खेला था और उनमें 84 रन्स बनाया था। 2020 में 14 मैचेस खेला था और 516 रन्स बनाया था। 2019 में 7 मैचेस खेला था और 101 रन्स बनाया था। और 2018 में 14 मैचेस खेला था और 275 रन्स बनाया था। और सूर्या कुमार यादव ने 2021 में 8 मैचेस खेला था और 176 रन्स बनाया था। 2020 में 16 मैचेस खेला था, 480 रन्स बनाया था। 2019 में 16 मैचेस खेला था, 424 रन्स बनाया था। और 2018 में 14 मैचेस खेला था और 512 रन्स बनाया था। और शुभमन गिल ने 2021 के सीज़न में 8 मैचेस खेला था, 180 रन्स बनाया था। 2020 में 14 मैचेस खेला था, 440 रन्स बनाया था। और 2019 में 14 मैचेस खेला था, 296 रन्स बनाया था। और 2018 में 13 मैचेस खेला था और 203 रन्स बनाया था। और आईपीएल के 2020 के सीज़न में जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा था और इनका पहला मैच था सेम स्टेडियम पर, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, तब कोलकाता की तरफ से शुभमन गिल ने 7 रन्स बनाया था और नितेश राणा ने 24 रन्स और सूर्य कुमार यादव ने 47 रन्स बनाया था मुंबई इंडियंस की तरफ से। और इन दोनों टीमों के बीच के सेकेंड मैच में कोलकाता की तरफ से शुभमन गिल ने 21 रन्स बनाया था और नितेश राणा ने 5 रन्स और मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 10 रन्स बनाया था और ईशान किशन की बैटिंग नहीं आई थी। तो स्टैट्स देखकर बोला जाए तो सभी ने नॉर्मल खेला है, एक मैच में कम एक मैच में ज़्यादा।
और हमारे टेलीग्राम चैनल के फैमिली मेम्बर्स ने ज़्यादा वोट नितेश राणा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को दिया है, और मेरा प्रेडिक्शन जाता है सूर्य कुमार यादव के साथ। आपको जो प्रेडिक्शन सही लगे वो आप सिलेक्ट करना। और पांचवा सवाल है, हाउ मेनी रन्स विल मुंबई स्कोर इन पावर प्ले, पहले के 6 ओवर में मुंबई कितने रन्स बनाएगा। तो ये स्लाइडर सवाल है, आपको 10 से 110 के रेंज में अपना आंसर स्लाइड करके देना होगा। और मुंबई का एवरेज पावर प्ले स्कोर है 45 रन्स इस सीज़न के पहले हाफ का। और हमारे टेलीग्राम चैनल के फैमिली मेम्बर्स ने ज़्यादा वोट 31 से 70 रन्स के बीच दिया है, और मेरा प्रेडिक्शन है 42 रन्स। आपको जो प्रेडिक्शन सही लगे वो आप स्लाइड करके सिलेक्ट करना। और आखिरी सवाल है, हु विल विन दिस गेम, आज का मैच कौन जीतेगा, मुंबई या कोलकाता। तो देखिए, इस सीज़न के पहले हाफ में जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था और स्टेडियम MH चिदम्बरम था, तो मुंबई जीत गया था। और IPL के 2020 के सीज़न में दोनों ही बार मुंबई जीत गया था, और जो ग्राउंड था वो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम था जिस पर आज मैच होने वाला है। और 2019 में एक बार कोलकाता और एक बार मुंबई जीत गया था, और 2018 में मुंबई दो बार जीत गया था उनके दोनों ही मैचेस में। और हमारे टेलीग्राम चैनल के फैमिली मेम्बर्स ने ज़्यादा वोट दोनों टीम को ही दिया है, और मेरा प्रेडिक्शन जाता है मुंबई के साथ। आपको जो प्रेडिक्शन सही लगे वो आप सिलेक्ट करना। तो दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो देखिए, हम ऐसे ही हवा में आंसर नहीं देते हैं, हम पीछे जाके स्टैट्स, डिटेल्स और एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद ही हम अपना प्रेडिक्शंस बताते हैं, कि आप भी स्टैट्स और डिटेल्स देखकर अपना प्रेडिक्शंस करें। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस पाने हमें सपोर्ट ज़रूर करें। उस लाइक बटन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड लक टू विन ग्रेट रिवॉर्ड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।